चेन देखो, ये पुरानी वाली कितनी खराब हो गई है। मेरे कुछ काम की नहीं है, लेकिन एक काम आ सकता भाई, क्या लगती है देख रहे हो? हेलो पैंथर्स, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। तुम्हारा भाई हेलमेट में भाई साहब व्लॉग स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि भाई सर्दी नहीं गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा। ये देखो मतलब धूप ही धूप हो रखी है बहुत ज़्यादा। ये रही अपनी पैंथर, एंड पैंथर में आज दूसरा दिन है मॉडिफिकेशन का, तो चलते फटाफट से, एंड देन उसके बाद मैं आगे जो है वहीं पर भाई कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है भाई, फ़ोन आ रखा है। फटाफट से भाई पहुँचते हैं, क्या होगा आज क्या नहीं होगा तो दिखाते हैं अभी। चल तो भाई अपनी बाइक वापस आ गई दुकान पर, अब इसमें अपन करवाएंगे काम। और अब भाई लुक देख लो भाई साहब, पीछे का नंबर प्लेट हटा दिया मैंने और मडगार्ड हटा दिया। अब इसमें आज अपन डलवा रहे हैं क्या, चेन चक्के डलवा रहे हैं। चेन चक्के ना बिल्कुल ख़त्म हो लिए भाई साहब, ये देखो, ये देखना, ये देखो है ना। और अभी निकलेंगे ना तो बता दूंगा, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बिल्कुल ही ख़त्म हो लिए। तो अब तो भाई ये मतलब ये समझ चरम सीमा पर आ गए। तो इसमें अपन डलवाएंगे, कौन से डलवाएंगे एक बार मैं लेके आता हूँ, वो वाले लेके आता हूँ, फिर बताऊँगा आपको प्राइस वगैरह, और जब लगवाएंगे जब वो भी बताएंगे। और भाई बढ़िया सफाई हो जाएगी, देखो ये गंदी हो रही है ना, ये देखो अंदर से, ये तो ये भी सही हो जाएगी। तो बाकी अपन क्या अभी चक्के चेन चक्के लेके आते हैं, रोल ऑन के, रोल ऑन के अब कितने के पड़ेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। और बाकी ऑल ओवर लुक आप चेक कर सकते हो भाई, बहुत प्यार यार। अब यहाँ पे क्या है ना भाई, थोड़ी सी भीड़ भाड़ से हो रखी है, तो थोड़ा मैं आपको बता नहीं पा रहा, और इससे ना एक प्रॉब्लम भी हो रही है मेरे को, वो भी उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या अपन चेन चक्के डलवा लेते हैं, तो चलते हैं चेन चक्के लाते हैं, चलते एक बारी। ये लो भाई अपने चेन चक्के आ गए, और इसमें क्या पेड़ लगागा इस बारी भाई, क्या मेरी में तो पहली बार लग रहा है, वैसे तो लोगों की बहुत लग गया, अपने में फर्स्ट टाइम लग रहा है ये वाला। फिर ये वाला ना अपने को ना लेना पड़ेगा, काम का काम की चीज़ है ये वाली। और भाई क्या लगती है देख रहे हो, एकदम जहर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखो भाई क्या मस्त लग रही है। अब अपने चेन चक्के लगेंगे, इसमें चेन चक्कों के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये अपने रोल ऑन के चेन चक्के, तो अभी खुलेंगे तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। एक मिनट, ये लो भाई अपने चेन चक्के स्टार्ट हो गया अपना काम। भाई इस बार ना लुक बताना पीछे की, लुक कितनी तगड़ी आ रही है ना साइलेंसर की वजह से। इसे ना एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम तो भाई मैं जाके बताऊंगा अभी क्या चीज़ है क्या नहीं। बाकी तो अभी ना ये चेन चक्के खोल के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को ना। ये लो, ये लो, अब खुल जा भाई ना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना मिस्त्रीपना सीखना पड़ता लगता है। ये लो भाई, तो ये कुछ अपने रोल ऑन के चेन चक्के आते भाई, एम टी के अलग आते और ये वाला अलग आते। और ये आगे का इसमें ना इस पॉकेट है, ये तो पीछे का चक्का हो गया, इसमें इस पॉकेट रखा हुआ है, ठीक है, इस पॉकेट इसमें है। और भाई चेन देखो ये पुरानी वाली कितनी ख़राब हो गई है, ये देखो। वैसे तो कुछ काम की नहीं है, लेकिन एक काम आ सकती है ये, वो मैं आपको बताऊँगा बाद में। और पीछे का चक्का है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो लिया यार, लूज़ तो बहुत है यार ये वाला ना, मुझे लेना पड़ता लगता है, मुझे ऐसा लगता है। अरे बहुत मस्त लगती है इसे देखो, इसमें खड्डी हुई देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। और आगे का इस पॉकेट बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है यार, मतलब ना ये समझो 25,000 किलोमीटर चला दी मैंने, 25,000 किलोमीटर के बाद में चेन चक्के चेंज करवा रहा हूँ। आगे का तो चेंज कर दिया था है ना, जो अपन एक बार बीच ख़त्म है, टूटा और हुआ ये तो। अरे भाई गरम बहुत है यार ये तो, गाइस देखो ये ना टूटा और पड़ा, अरे टूटा और पड़ा ये देखो भाई, बहुत बढ़िया। और इसमें देखो आगे का इस पॉकेट है और चेन है, देख लियो रोल ऑन का, ये क्वालिटी तो बहुत अच्छी आती है, बाकी देखते हैं भाई। ये लो भाई ये लग लिए, अपना टायर खोल रहा भाई सब पीछे का यार, मतलब ना ये देखो हाथ यार, इसमें ना ऑयल वो ग्रीस वगैरह आती है पहले से ही, तो अब ना मुझे स्प्रे वगैरह लेनी पड़ेगी इसके लिए, अलग से स्प्रे मारती रहनी पड़ेगी। और अब थोड़ी सी भाई थोड़ी सा पिकअप भी बढ़ेगा इससे, और पिकअप बढ़ने के बाद जो आवाज़ आती है ना वो आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी। आगे का इस पॉकेट लगा दिया, एक बार आगे का इस पॉकेट दिखा देता हूँ आपको, आगे का इस पॉकेट लग गया यार। अजय हल्की हो रहा है ये क्या, ऐसे ये पहले तो रहती है फिर
रहती है? हर गाड़ी में रहती है, हल्की सी। अच्छा, गंदा हो रहा है, गंदा भी भाई ये साफ करवाएंगे बढ़िया तरह। बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है, और क्लिच प्लेट वगैरह देख लेंगे। अरे नहीं गिरेगा, नहीं या कहीं ऐसा ही ना लगे, देख लिया हाँ। अरे ठीक है ना जाए भाई, गंदी बहुत ज़्यादा हो रही है, बड़े तरह सफाई वगैरह करवा लेंगे। और ये अपना चेंज चेक करिए, यार व्हील कवर में ना मैं अभी इनमें जब अभी मॉडिफिकेशन करवाएंगे ना तो व्हील कवर में ना चेंज करवाऊंगा इसका, मतलब या तो बैक साइड चलाऊंगा या फिर ना डिज़ाइन अगर अलग वाला लगवाऊंगा इस बारी, डिज़ाइन चेक करते हैं कैसा वाला आएगा, बाकी देखते हैं। तो थोड़ी देर में हो जाएगा अपना काम, तो थोड़ी देर का काम है ये। कह रहा किस पे? एक तो लग गया यार, ये तो बड़ा है ना जी ये वाला, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। अब छोटे और बड़े से फर्क का ये बता, ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अच्छा स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी है ना, तो भाई वो वाला जो वो चक्का है ना वो पीछे वाला, ये छोटा है पीछे, हाँ छोटा है, और ये वाला क्या बड़ा था, तो अब स्पीड में भाई फर्क आएगा थोड़ा सा, वो तो अभी अपन चेक करके बता देंगे भाई कितना फर्क आएगा कितना नहीं आएगा, देखते शायद वो जो मैंने जब चेक करी थी टॉप स्पीड ना वो 45 जा रही थी, शुभम की 45 जा रही थी, तो हो सकता है इसी वजह से जा रही हो, तो वो तो अभी अपन क्या चेक करेंगे तभी बताएंगे। बाकी पीछे का चक्कर लग गया, बहुत छोटा लग रहा है यार इससे तो ये। अरे टॉप स्पीड देखना इसकी कितनी बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। रोहन से पूछ रहे, रोहन के डाले थे। अच्छा तो भाई टॉप स्पीड बढ़ जाती है इससे, चेन चक्का छोटा हो जाता ना पीछे का, छोटा चक्कर रहेगा ना उतनी स्पीड होती है। ये बात है, पैर रखो एक बार। हेलो भाई, पीछे का अपना हो लिया, ये देखो भाई। अरे भाई जान प्लस ला है ना, अरे एक मिनट रुक जा, ये जा रहे कौन भाई साहब यार, हमारा तुमने गायब कर दिया बैंड। ओ अभी बैठे हो, अच्छा तो लगता है यार वाले स्टैंड लाइन घर पे खड़ी करने के लिए सब लगती है ये, ये देखो बहुत प्यारी लगती है। करवाएंगे भाई अब चेन का, नहीं वो लॉक खुलेगा उसके बाद ही चेन लग जाएगी इसमें। हो गए भाई चेन चक्को का अपनों का काम, डल गया जो भाई हो गया काम, अब टाइट वाइट कर दे, सफाई कर दे बढ़िया तरह। हाँ तो भाई फाइनली अपने जो चेन चक्के वो डल गए, अब इसकी स्पीड में था कितना फ़र्क आएगा कितना नहीं तो बताएंगे आपको। ये वाला पुराना चक्का है, चक्को काम हो गया भाई अपना। कैसे चल रही है आवाज़ उवाज कर रही जो कम कर होगी क्या? लो भाई अपने रोलिंग की जो चेन चेक किया वो लिए कंप्लीट, एक बार इनको ना टेस्ट ड्राइव मार लेता हूँ मैं कैसा लगेगा, अब लूज़ होगी बाद में वो अपन टाइट करवा लेंगे, और इसमें ना स्प्रे मारनी पड़ेगी इस बारी, काला जेल से काम नहीं चलेगा, तो एक बार ना टेस्ट ड्राइव मार लेते हैं। के पास से काम करवाने के बाद ये रहा, तो अपना हेलमेट पे क्या अपनी आईडी लिखवा लेते हैं, आईडी नहीं लिखी पड़ी थी वो और भी लिखवानी जरूरी है। वहाँ से काम करवाने के बाद ना, अब यार ये साइलेंसर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वीली मारता हूँ तो यहाँ टच होता है ये नीचे ज़मीन, तो इसका कुछ भाई देखना पड़ेगा। बाकी भाई चेन चक के तो एक बार ये देख लो है ना, बाकी अभी चल के दिखा दूँगा आपको कंप्लीट। बाकी पिकअप में थोड़ा सा इंक्रीज तो मेरे को दिख रहा है, बाकी ना एक बार थोड़ा सा यार रेप वेप का मेरे को बात करना चला रहा भाई से, ब्लैक करवाऊँ कौन सा करवाऊँ, ठीक रखे रेप तो ना वाइट में लिख दे, वाइट ही कर दे। हाँ इस पे ना भाई नाम लिखाना मुझे आगे यूट्यूब चैनल का अपना। सही है, अब ऐसे कर वो आगे एक साइड ना वो और लगा दे यार यहाँ पे ब्लैक वो चढ़ा दे यहाँ पे। हाँ यहाँ यहाँ पे बिना खोले ना चढ़ा दे वो, खोल दे सूटों में बड़ा ये दिखा रहा है, खोल दूंगा ना दे दे मेरे को एलंकी दे। ये ना पुराना पुराना हो रहा है यार ये, भाई अपना काम हो लिया भाई साहब कंप्लीट है ना, बट इतनी प्रॉब्लम्स आई है ना भाई, इतनी प्रॉब्लम्स आई है मैंने ना भाई एक्सपेक्ट नहीं करा था ये चीज़ें, तो ये नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा इस साइलेंसर को लेके
क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और बहुत गंदी प्रॉब्लम्स है भाई, तो मैं अवेयर करूँगा इन चीज़ों से आपको। बट चेन चक्के चेक करो आप, सबसे पहले चेन चक्के डल गए अपने, है ना। तो इनका कॉस्ट आया लगभग 1600-1700 रुपये कॉस्ट आया इनका, 1700 रुपये के चेन चक्के अपने और रोल ऑन के भाई। अभी देखते हैं, रनिंग तो वैसे सब सही बताते हैं, अभी तो इस पर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस ऑयल लगा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो इस पर तो अभी कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी भाई सारी चीज़ें बताऊंगा, पहले जिम जाना है एंड फिर उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ, सब बातें करते हैं। वैसे आपको लग रहा होगा मेरा बर्थडे, आप शाम का टाइम है, थोड़ा सा यार फाड़ दूँ रोड पे फाड़ने का बोल रहे हैं भाई। अब ये जाएगा, ये फट गया तो इसका मुझे कुछ नहीं पता। मेरा फूस निकल गया यार, दिक्कत हो गई। और कोई भीड़ से बताओ ना, भीड़ में अंदर खा जाओ। ये फाड़ रहा है इसका, आराम आ जाए, इसको मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। माँ कसम ये